उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में शहर विधानसभा 37 पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को पार्टी प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को चुनाव मैदान में उतारा है। अब आजम खान को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उनके करीबी एवं मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने आजम खान से किनारा करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना एवं धर्मपाल सिंह लोधी की अगुवाई में भाजपा का दामन थाम लिया है। कहीं न कहीं बहुत छोटा सा ये अब्दुल राजनीतिक विश्लेषक भी है, देख रहा था कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर तरक्की कर रही है, आपके कुशल नेतृत्व में समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज से मेरे अपने हैं, क्योंकि जब हम किसी को ये अब्दुल अपना कह देता है तो फिर अपना ही समझता है। आपसे मेरे अपने हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे अपना ही कहें। बता दे निशानो। मैंने माननीय ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, और जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में मैंने बताया ही, भारत आज दुनिया के पहले पायदान पर खड़ा है। और मैं अपने सभी साथियों से, मैंने कहा अभी हमारे कोई मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है क्या होगा, तो मैंने कहा कि अब हर जगह कमल खिलेगा, विधानसभा में भी, वार्ड स्तर पर भी, नगर निकाय पर भी। मेरे भाई और बहुत प्यारे भाई, इनका तो नाम ही हनी है, शहद जैसे भाई आकाश सक्सेना जी, और फिर मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ये आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ये भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मेरे सारे नेतागढ़ जी, बलदेव ओलक जी बहुत प्यारे हैं, और घनश्याम सिंह लोधी जी जिनसे मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा है, बहुत अजीज है मेरे, और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वो करते हैं नहीं करते हैं वो बताएंगे। सभी साथी, हमारे विधायक राज बाला जी, और मेरे साथ में जो लोग आए हैं, इरशाद महमूद साहब, नवीन शर्मा जी, फारूक एडवोकेट साहब, मेरे संभल के बहुत साथी आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जैसा भी वक्त रहा हो, संभल के इन साथियों ने मुझे अपने सर पर बिठा के रखा है। वारसी साहब हों, अकरम हुसैन साहब हों, परवेज जो प्रधान हैं संभल के चिमनावली के वो हों, और मेरे शाहिद अली खां साहब, दानिश का काका हामिद अली खां और पन्ना खां, शवेस खां साहब जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, फातिर हिस्सा है। हम सम्मान के साथ, परिवार भाव से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करते हैं। आज से उनका भी हमेशा उनके साथ खड़े भाजपा रहेगी, उनके साथ सुख दुख में हम सब साथ रहेंगे, परिवार की तरह वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मेरे लिए आज गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना साहब उपस्थित हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह जी उपस्थित हैं, आदरणीय ब्रज बहादुर जी हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय बलदेव औलख जी सरकार में मंत्री हैं, राजबाला जी हमारे सांसद घनश्याम लोधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिव बहादुर सक्सेना जी, आदरणीय आकाश सक्सेना जी हमारे प्रत्याशी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और नए लोगों का परिवार में उनका शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा का, विधानसभा का उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग आने वाले 5 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, सक्रियता और उनके संपर्क और सरकारों में जो काम किया है हमारी माने दोनों मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं माने बलदेव जी, हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं,
और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता की तरह रामपुर में भी आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ कमल खिलेगा। आकाश सक्सेना भारी मतों से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा का हिस्सा बनेंगे और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी के साथ रामपुर की बेहतरी के लिए, रामपुर के जो छूटे हुए काम है विकास के, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। मैं एक बार पुनः जो लोग हमारी पार्टी का हिस्सा बने हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए हम सब लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। रामपुर के चुनाव में जो हमारी परीक्षा है इस उपचुनाव में, उस परीक्षा में भाजपा निश्चित रूप से सफल होगी, बड़ा जनादेश हमें मिलेगा। मैनपुरी का चुनाव है, खतौली का चुनाव है, तीन चुनाव हैं, दो विधानसभा के बाई इलेक्शन है, एक लोकसभा का बाई इलेक्शन है। मुझे विश्वास है आज जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है, लोग हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं, उसका पूरा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कदम को आगे बढ़ाने में हम सब लोग कारगर साबित होंगे। मैं एक बार पुनः सभी साथी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का जो उनके साथ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया है।